पीछे जा रहे हैं या उसी जगह पर खड़े हैं, दोनों में फीलिंग करना है। और तैयारी करो, भविष्य के लिए समय निकालो, साधना करो, गुरु शरणागति करो और अंतःकरण को शुद्ध करो। ये जीवन न बालक के लिए, न जुआ के लिए, न वृद्ध के लिए, किसी के लिए रियायत नहीं करता है। किस क्षण में किसको जाना पड़ जाए, यहाँ कोई ये कायदा नहीं है कि 25 साल तो पक्का है। पैदा हुआ, पैदा होते समय ही मर गया, जमीन पर गिरने के पहले ही मर गया। लोग तो बेचारा वो क्या करेगा, इसलिए उधार नहीं करना है। बहुत समझदारी के साथ जिसके गुरु ने जैसा मार्ग बताया है भक्ति करने का, उसी के अनुसार चलो। किसी भक्ति किसी और मार्ग की बुराई न करो, लेकिन उससे दूर रहो। जिस मार्ग से तुम्हें लाभ हो रहा है, चल रहे हो उसी मार्ग का अवलंब लेकर के। यानी भक्ति मार्ग में भी बहुत से मार्ग है ना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु और अर्चनम। भगवान के कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई भगवान की दास्ता करता है, कोई वंदन करता है, कोई खाली श्रवण करता है। अनेक प्रकार की भक्ति है। तो तुम कीर्तन करते हो, तुम कहो कि भाई श्रवण करने के लिए, अरे तो क्या बेवकूफी चक्कर में पड़े हो, आओ हमारी चीज सही है। अरे वो भी सही है, जिसकी जैसे रुचि हो करने दो। तमाम जन्मों के संस्कार अलग अलग होते हैं। किसी के श्रवण भक्ति में रुचि है, किसी के कीर्तन में रुचि है, लेकिन सब भक्तियों में स्मरण प्रमुख है। मने स्मरण प्राण, भगवान का रूप ध्यान कंपलसरी है और उनके दर्शन की परम व्याकुलता बढ़ाना ये कंपलसरी है। और निष्काम भावना रखकर श्याम सुंदर के ही सुख की कामना रखना ये कंपलसरी है। ऐसा सब करते हुए हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का मार्ग प्रशस्त करें, फील करके आगे बढ़े तो मानव देह सफल हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो गुरु कृपा करके दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति दे देगा, फिर हमारा काम समाप्त हो जाएगा। सदा पश्चिंत सूर्य तत् विष्णु परमं पदम, फिर भगवान का नित्य कैंकर्य प्राप्त करेंगे, नित्य दासत्व प्राप्त करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल रूप है। भगवान की दासता वो हमको अनंत काल को मिल जाएगी।